ज़्यादा जो मुझे याद आती है वो लोकमान्य तिलक की आती है। महाराष्ट्र में आज़ादी की कहानी लिखने वाले लोकमान्य तिलक जो है उनका भी काफ़ी योगदान रहा था। एक पूरे हफ्ते चलता है महाराष्ट्र के अंदर ये गणपति बापा का त्यौहार जो है, गणपति महोत्सव जो है वो पूरे एक सप्ताह चलता है। हमारे यहाँ सिरसा के अंदर दो दिन, डेढ़ दिन, तीन दिन या यूँ कहें कहीं कहीं हफ्ते भर भी ये महोत्सव जो है वो पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। शिव के पुत्र जो है गणपति बाबा, उनका जो मुख जो है वो हाथी का है और कान उनके बड़े बड़े हैं, उनकी आंखें जो है वो छोटी छोटी है, लेकिन पूरी दृष्टि उनकी जो है वो लोगों पर बनी रहती है। और यही वजह है कि आज गणपति बाबा को किसी भी देवता को याद करने से पहले या यूँ कहे कोई भी शुभ काम करने से पहले गणपति बाबा को याद किया जाता है। मैं इस वक्त एक मंदिर में खड़ा हूँ जहाँ पर लोग गणपति बाबा के नारे लगा रहे हैं, गणपति बाबा को याद कर रहे हैं और गणपति महोत्सव का पूरा आनंद उठा रहे हैं। आइए लोगों से बात करते हैं कि उनके दिल में क्या है गणपति बाबा के प्रति, कैसे वो गणपति महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे मना रहे हैं, क्या कुछ इच्छाएं रखते हैं गणपति बाबा से। आइए गीतू से बात करते हैं कि वो गणपति महोत्सव को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। गीतू जी, कैसा लग रहा है आपको आज गणपति महोत्सव है, धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे देश में, सिरसा में भी मनाया जा रहा है। आप मंदिर में खड़े हैं, मंदिर में पूरी धूमधाम से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं गणपति बापा के, आपको कैसा लग रहा है अभी?
हमें बहुत अच्छा लग रहा है, गणपति जी हर साल आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो हमारे दर पे भी आते हैं और हम उनके साथ मना पाते हैं, और वो हम भाई हम भक्तों का भी हम भक्त हैं उनके, और हम उनका बड़ी अपने दिल से उनका ये त्यौहार मनाते हैं भाई। हमें बहुत खुशी होती है कि हम गणपति महोत्सव मनाते हैं और इनका एक हिस्सा बनते हैं, और हम इनसे भाई इनका आशीर्वाद लेते हैं ताकि हमारे जीवन में जो जो कमियाँ वो सब पूरी हो, सब खुश रहे। हम ये महोत्सव हम इसलिए मनाते हैं, हमारे मन को खुशी मिलती है और हमारा मन शांत रहता है, इसलिए हम ये महोत्सव मनाते हैं। और हम सबको, मुझे क्या, हम सबको बहुत खुशी है कि हम ये महोत्सव मनाते हैं और इस महोत्सव का हम भी एक हिस्सा हैं। तो गीतू का कहना है कि बड़ी शांति मिलती है जब हम गणपति बाबा को याद करते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है गणपति बाबा को याद करते हैं। ऐसे महोत्सव आते हैं, इन महोत्सव में सब कुछ पुराने भेदभाव हम भूल कर सब इकट्ठे होकर इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे साथ एक और है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है इस त्यौहार के बारे में, कैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस त्यौहार को। तो धर्मेश जी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। हमारे घर गणपति बाप्पा ऐसा लाते हैं, आए साल की तरह यह छठा महोत्सव है जो हम पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे सभी मोहल्ला वासियों के साथ मिलकर मिला रहे हैं, और यह लगातार इसी तरह चलते हुए 11 दिन चलेगा। 11 दिन के बाद यह पंचमाणा विसर्जन होगा। आप 11 दिन बना रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में 7 दिनों का ये बड़ा ही अनोखा उत्सव होता है गणपति बाबा का, आप 11 दिनों का कैसे? ये हमारे पिछले 5 साल से हम लगातार मनाते आ रहे हैं, और इस साल ये 6वां साल है, और इसीलिए शुरू से लेकर अब तक 6वां साल 11 दिन के लिए ही मना रहे हैं। क्यों मनाते हैं गणपति महोत्सव? इस दिन गणपति जी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, ठीक है, और गणपति जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इनका भी कहना है कि गणपति महोत्सव जो है सबसे पहले तो उनका जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे, हम मंदिर में चलते हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि इस त्यौहार की बात, इन लोगों की बात अगर करें, ये है कि ये पूरा त्यौहार 11 दिन चलेगा, 11 दिन ये त्यौहार जो है चलेगा। महाराष्ट्र में 7 दिन बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ 11 दिन अलग परंपरा इनकी है। इनसे बात करते हैं कि ये 11 दिन क्यों चलेगा। हमारे साथ एक और लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। पंडित जी, क्यों 11 दिन आप इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं? ये गणपति गणेश जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, और इसमें बड़ी खुशियाँ से जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। सारे शहर में और सारे भारत के अंदर जो है आज का उत्सव बड़ी खुशियों से मनाया जा रहा है, और गणेश जी का आज त्यौहार है। और विघ्न हरण मंगल करण, भगवान गणेश जी विघ्नों को दूर करने वाले हैं और सभी के घरों में मंगल करने वाले हैं। हम सब मंगल की कामना करते हैं, हमारे सबके घरों के अंदर मंगल ही मंगल हो और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती रहे। एक बात पूछना चाहेंगे कि कोई भी हम शुभ काम करते हैं सबसे पहले गणपति बाबा को याद किया जाता है, इसका क्या सबसे बड़ा रीजन? क्योंकि गणपति जी अपने माता पिता के भक्त थे, तो हमारे को ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने माता पिता के भक्त बने। एक समय की बात है कि आपस में सबने कहा कि दुनिया का परिक्रमा करके आइए, और सबसे जो पहले परिक्रमा करके आए उसको जो है सबसे प्रथम देवता माना जाएगा। और गणपति जी जो है इनका वाहन मूषक था, और ये तो बिल्कुल धीरे चलते थे, और इनके बड़े भैया जो कार्तिक थे उनका वाहन मोर था, इसलिए वो तो बड़ी जल्दी जल्दी चल के आ गए। पति गणेश जी का जो वाहन था वो मूषक था, वो धीरे चलते थे, इसलिए उन्होंने मन में विचार किया कि अगर मैं सारी जिंदगी भी परिक्रमा करता रहूंगा पृथ्वी की, मेरे से परिक्रमा नहीं होगी। तो उन्होंने विचार किया कि क्या किया जाए, उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, और इसलिए भगवान उनके माता पिताजी प्रसन्न हो गए, और भगवान शंकर ने कहा कि हे पुत्र आप सबसे अग्र गणनीय पूजनीय हो गए, ऐसा जान के सबसे पहले कोई भी कार्य किया जाता है तो गणपति जी का नाम लिया जाता है। बोल गणपति गणेश जी भगवान की जय। इनका भी मानना यही है कि गणपति बाबा ने अपने जो माता पिता थे यानी भगवान शिव और पार्वती जी थे उनकी परिक्रमा की, तभी जाकर जो उनकी है वो पूजा की जाती है। कहते हैं पवन नागपाल जी से कि वो क्या कहते हैं गणपति बाबा के बारे में। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा जो हर साल की तरह इस साल भी सुभाष बस्ती में
आज हमारा जो है छठा महोत्सव गणपति महोत्सव जो है, हम सभी मोहल्लावासी, मैं ऐसे तो कहूँगा मैं भी, सारे शहरवासी मिलकर के इस महोत्सव को, वह सारे भारतवासी भी मिलकर के इस महोत्सव को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हमें इस बात की खुशी रहती है कि गणपति जी जो है हमारे मोहल्ले में हर बार आते हैं, और यहाँ यह भी एक मान्यता है कि भी इस महोत्सव के अंदर अगर कोई भी भक्तजन अपनी कोई भी मनोकामना रखता है तो ये 110% हम ये कहते हैं कि बाबा जी उनकी वो मनोकामना पूर्ण करते हैं, और अगली बार वो आगे कहते हैं भी गणपति जी हमारे घर बिठाइए। लेकिन जैसे गणपति जी की वो इच्छा होती है, गणपति जी उन्हीं के घर बैठते हैं, लेकिन ऐसा है लोगों को इस बात से खुशी मनानी चाहिए गणपति जी हमारे मोहल्ले में आए हैं, तो इसलिए हमें बहुत खुशी है कि हाँ गणपति जी इस मोहल्ले में हर बार आते हैं, इस बार भी बड़े धूमधाम से आए हैं। यह 10 दिन का महोत्सव है, 11वें दिन विसर्जन गणपति जी महाराज का 11 तारीख को किया जाएगा, और 10 दिन बड़े ही धूमधाम से यह महोत्सव इसी मोहल्ले में मनाया जाएगा, और हमारे कार्यक्रम कार्ड में भी, न्यूज़पेपर में भी, मीडिया में भी छपा दी गया कार्यक्रम अनुसार जो है सभी कार्यक्रम 10 दिन लगातार होंगे। तो सभी से हमारी निवेदन भी है कि इस कार्यक्रम में पहुंचे, और सभी को गणपति महोत्सव की लख लख बधाई, और मैं सभी को यही कहूंगा आओ जी रल मना लिए गोरा दिलाल नो, आओ जी रल मना लिए गोरा दिलाल नो, ओ गोरा दिलाल नो शंकर दिलाल नो, गोरा गोरा दे लाल नु। बोले गणपति महाराज की जय, गणपति बप्पा मोरिया। तो ये सारे भक्तजन जो है पूरी जोश में हैं, गणपति बाबा के नारे लगा रहे हैं, और यही मनोकामना जो ये मांग रहे हैं कि सुख शांति मिले, एकता कायम रहे, सभी मोहल्लेवासी जो है वो एक रहें, और गणपति बाबा बार बार यहाँ आए और उनकी मनोकामना जो है वो पूरी करें। आइए बात करते हैं इन्हीं संस्था से जुड़े लोगों से, और पहले बात करते हैं प्रेस प्रवक्ता जी से कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति छठी बार हमारे मोहल्ले में पधारे हैं, गणपति जी 11 दिन यहाँ जमीन पर रहते हैं, गणेश जी जो उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं उन सब का कहना है कि गणपति बाबा से जो भी हम मांगते हैं वो मनोकामना इन 11 दिनों के बीच, या यूं कहें कि जब भी हम किसी भी भगवान को याद करते हैं या अपने सच्चे दिल से उनसे कुछ मांगा जाता है तो वो दिया जाता है उनकी तरफ से, यही गणपति बाबा करते हैं। सबसे पहले कोई भी हम शुभ काम करते हैं तो उनकी पूजा की जाती है, यही रीज़न है कि अगर किसी भी पूजा के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले श्री गणेश हम करते हैं। तो यही सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो अब बनाया जा रहा है, ये लोग 11 दिन मनाते हैं, महाराष्ट्र में 7 दिन हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से गणेश महोत्सव बनाया जाता है, लेकिन मान्यता अगर हम इस त्यौहार की करें तो पूरे देश में एक ही मान्यता है, आस्था है लोगों की। भले ही आप देख सकते हैं इस पूरे मंदिर के अंदर कितनी गर्मी थी, उसके बावजूद भी इनकी आस्था थी वो नहीं टूटी, और लगातार ये भजन कीर्तन करते रहे, भले ही इनके पसीने आए हों, भले ही इनको कितनी भी गर्मी लगी हो, इनके साथ बच्चे भी थे, इनके साथ महिलाएं भी थी, इनके साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी थी जो इस पूरे कार्यक्रम के अंदर शामिल थी, और इस पूरे महोत्सव को उन्होंने धूमधाम से मनाया, ढोल नगाड़ों के साथ भजन कीर्तन कर इस पूरे महोत्सव को जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया। आशा हम भी करते हैं उन तमाम दर्शकों से, उन तमाम भक्तों से कि वो इसी आस्था के साथ गणपति बाबा का गुणगान करते रहें, और उनकी मनोकामना जो है उन्होंने अपने सच्चे दिल से मांगी है वो जल्द ही उनकी पूरी हो। तो आइए कुछ बच्चों से भी बात कर लेते हैं कि बच्चों के भी काफ़ी प्रिय रहे हैं, उनका जो मुखौटा है वो कुछ इस तरह का है कि बच्चे सबसे ज़्यादा अगर पसंद करते हैं तो गणपति बाबा को पसंद करते हैं, और गणपति बाबा को लेकर जो है वो एनिमेशन से रिलेटेड फिल्में भी आई हुई है, कुछ गणेशा द पावर मैन कुछ इस तरह की फिल्में भी है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं, और गणपति बाबा की जो है वो महिमा का गुणगान भी बच्चे जब खेलते हैं तो करते हैं। आइए बच्चों से जानते हैं कि उन्हें कैसे लगते हैं। गणपति बप्पा आपका जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। चलिए ये बधाई दे रहे हैं गणपति बाबा को, आपको गणपति बाबा के बारे में क्या कहना है? गणेश जी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड, और गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलिए आपको क्या कहना है? गणपति बाबा को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, मुझे आज बहुत खुशी है कि आज हमारे घर में पधारे हैं, और गणपति बाबा मोरिया, ओम गणेशाय नमः।
चलिए ओम गणेशाय नमः सभी बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे और भी हैं जो कहना चाहते हैं, गणेश महोत्सव मनाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं गणपति बाबा को हैप्पी बर्थडे, है ना? मैं तो कहता हूँ कि गणपति बाबा हमेशा हमारे साथ रहे और है ना, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गणपति को, गणपति बाबा को बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की अपनी। गणपति जी हैप्पी बर्थडे आपका। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फी लेकर नाच कर, जय गणेश की धूम, ओ जाओ ओ जाओ ओ जाओ, गणपति बाबा मोरिया। शिव जी पार्वती, शिवजी महाराज ने समाधि लगा ली, 12 साल की समाधि ला ली शिवजी महाराज ने। पार्वती बहुत उदास हो गई, पार्वती उदास हो गई, पार्वती ने अपने बदन तो मैल, चुप कर जो, पार्वती ने बदन तो मैल उतार के अपने तो पुतला बना लिया, शंकर भगवान का ध्यान लाया, जल का चट्टा दिता, तो मतलब बोलन लग गए, नुहाया धोया, तिलक लगाया, पूजा की, लालन पालन कर लगी, लालन पालन कर लगी, 12 साल दे हो गए, 12 साल दे हो गए, शंकर भगवान की समाधि खुल गई, शंकर भगवान आए, वो गेट दे अगे खड़े सी, कहने लगे तू कौन है, कहने लगा मेरी माता स्नान कर रही, अगे नहीं जाना, कहंदे कौन है तू, कहंदे मैं पार्वती का बेटा, कहने लगे तेरे पिता का नाम क्या है, कहते मेरे पता नहीं, कहंदे अच्छा, शिवजी नु गुस्सा आया, उन्होंने मारा त्रिशूलों का सिर कट दिता, सिर कटता अगे चले गए, पार्वती कह लगी मेरा बेटा खड़ा सी, तुसी किवें आए, कह लगे तू बेटा कितों लियाई, कहंदे मैं भी तुहाडे नाम नाल बनाया, भी तुहाडी कृपा नाल सारा कुछ कीता है, कह लगे अच्छा हुण तां नहीं वह बच्चा आउंदा, पार्वती कहंदी मैं आपदे प्राण दे देंगी, मेरा बच्चा ना आएगा, तो कहंदे तू अपने प्राण ना दे, उन्होंने आपदे गणा नूं आग्या दित्ती कि तुसी जाओ बच्चा लिया, किसी का सिर लियाओ ढूंढ के, देखते हैं जो बच्चे आपदिया मावं जो बच्चे गलना ला के पईआं ने, एक कथनी का बच्चा सी, वो लियाए पुछन आए, कहने महाराज एक कथनी है वो अलग मस्त होके पई है, एक बच्चा रेत में लेटदा, कहंदे जाओ उनका सिर कट लो, उन्होंने सिर कट के लिया धड़ दे नाल जोड़ दिता, तो जीवित हो गया, जीवित हो गया, तो पार्वती कहन लगी मेरा बच्चा ऐसा थोड़ा सी, ये तो बच्चे की सूंड लमकदी है, लोग देख के हसन गए, शंकर भगवान कहन लगे कि आज तो पिछे मेरा नाम लोग पिछों लेंगे, जो भी कार्या करे, बच्चा जन्मेगा, ब्याह करे, मोई मूर्त करे, कुछ भी काम करे, पहला इनका नाम पूजन गए गणपति गणेश का, फिर पूजा सब देवत्या ने हुई, देवत्या ने काश तो फुल बरसाए, सब ने जय जयकार की, बोल गणपति गणेश महाराज, गणपति गणेश की पूजा जो ना करेगा पूजा अधूरी रहेगी। तो सभी की जो मान्यताएं हैं वो अलग अलग है, कहीं कुछ और बताया जा रहा है गणपति बाबा के बारे में, कुछ बच्चों ने भी अपने व्यू लिखे जिन्होंने हैप्पी बर्थडे बोला सबको, यहाँ माता जी ने बताया कि एक वरदान जो उनको दिया गया था कि आपकी पूजा जो है वो सबसे पहले होगी, यही मान्यताएं जो हैं वो लोगों के अंदर है, आस्था लोगों के अंदर है सबसे बड़ी, आप देख सकते हैं इस मंदिर के अंदर भगवान श्री गणेश की मूर्ति है जो है, उनके पूजा की जा रही है, उनसे जो मान्यताएं जो है और उनके प्रति जो आस्था है उसी को लेकर लोग जो है मनोकामना करते हैं गणपति बाबा से, और सब लोग जो है वो उनके जन्म महोत्सव की जो है वो बधाई दे रहे हैं आपस में, और यही हम लोगों को बधाई देते हैं हरियाणा टुडे परिवार की ओर से, आप सभी दर्शकों को, पूरे देश के देशवासियों को गणपति महोत्सव की हार्दिक बधाई हो, और कामना करते हैं कि गणपति बापा आपके जो मनोकामना है वो पूरी करें।